सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो वैसे आज भी गाइस मैं स्कूल के आने के बाद ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मोस्टली टाइम तो हमारा स्कूल में ही चला जाता है और भैया तो गाइस ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहे। उनका 27 फेब से एग्ज़ाम है, इसीलिए वो भी बोर्ड्स का। और अभी गाइस हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी ठंडी। और मम्मी जी गाइस आज सारे ऊपर से नीचे लेकर सारे छत को भी धो चुकी हैं, काफ़ी क्लीन लग रहा है देखने में भी। देख रहे हो गाइस, मम्मी जी भी यहीं पर हैं अभी। और गाइस हाँ, सो अब तो गाइस मैं ऊपर कम ही जा पाऊँगा बिकॉज कि ऊपर वाला जो गाइस रूम था वो तो अब रेंट पे लग चुका है। देखा आपने, शायद नहीं दिखा होगा, मैंने दिखाया भी नहीं जस्ट बिकॉज वो अभी छत पे ही थे। सो गाइस मम्मी जी भी आजकल बहुत लेट से खाना खा रहे हैं, अभी तक नहीं खाना खाया है उन्होंने। और अभी तो वैसे शायद 4 बज चुके होंगे, अभी भी काम ही कर कर आ रही हैं। जैसा कि गाइस भैया को पता नहीं कहाँ से सर्दी हो चुका है, सो ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं दवाइयाँ लाने के लिए। मम्मी जी भी पैसे लेकर आने चाहिए, बट क्या करूँ, अब जाना पड़ेगा गाइस मुझे। पैसे दीजिए मम्मी जी। 25 जब से गाइस इनका एग्ज़ाम का डेट से पास आते जा रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। बट क्या करूँ, करना पड़ेगा ही। और बाहर की हवा से भी बचाए रखता है ये पर्दा हमारा। गाइस ये देखो, मैं नीचे जा ही रहा था कि वहाँ पर एक बिल्ली मौसी ने रास्ता काट दिया। देख रहे हो गाइस कैसे ताक रही है मैं चुके हो। बिल्लियों को भी चैन नहीं है गाइस, अब मैं क्या करूँ, जाओ या नहीं जाओ। वैसे मैं सुपर सीजन पे बिलीव तो नहीं करता, बट एक मन में डर सा बैठ जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। सो जाते हैं, 5 मिनट बाद ही जाता हूँ क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। पता नहीं गाइस बिल्ली कहाँ गई होगी, अब शायद उधर ही चली गई। 5 मिनट गाइस यहीं पर बैठ कर वेट करता हूँ। बिल्ली ने रास्ता काटा और देख रहे हो ये तो सो गए, पता नहीं इनका फीवर लगा हुआ है। सो पता नहीं गाइस इनको कहाँ से सर्दी हो चुका है और फीवर भी हल्का हल्का सा। सो बिल्ली का रास्ता काटना देख कर सीधे सो गए। मैं गया हाँ। आ गया नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए मैं आ गया। मैं जा रहा था तब नीचे पता नहीं कहाँ से बिल्ली आ गई और रास्ता काट दिया उसने, नहीं तो सीढ़ी के पास था वो बिल्ली। था क्या, थी वो बिल्ली मौसी। बिल्ली ने गाइस रास्ता क्या काट दिया, मैं तो यहाँ पर पढ़ने बैठ गया। अब मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे बाद ही जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, मम्मी जी को भी अब पता चल चुका है, वही रोक रही हैं अब मुझे। मम्मी जी का ऑर्डर आ गया गाइस जाने का, और ये मुझे अपना पीठ का मालिश करवाना चाहते हैं। सो पैसे लेकर गाइस मैं पहले चला जाता हूँ मेडिसिन लाने ही। अब तो वो मतलब उसका रिएक्शन ख़त्म हो चुका होगा, मम्मी जी ने कह दी। सो अभी तो गाइस मैं पढ़कर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। सो अभी तो मैं आ चुका हूँ सोने। सो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।